नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और मैंने कोई भी फुल साइज वीडियो अपलोड नहीं की है। मैंने इतने टाइम में कोई मेकअप शॉपिंग भी नहीं की थी, लेकिन सिंस नायका पे रिसेंटली काफी अच्छी सेल लगी हुई थी, सो आई डिसाइडेड टू बाय अ फ्यू प्रोडक्ट्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो मैंने नायका की सेल से खरीदे हैं। आइए शुरू करते हैं अपने नायका हॉल वीडियो के साथ। सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है वो है ये फॉरएवर 52 का फैशन नेल्स का सेट। अब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि फेक नेल्स, आर्टिफिशियल नेल्स बना रहे हैं और आजकल ये काफी फैशन में है, सो आई डिसाइडेड टू गिव दिस पर्टिकुलर वन अ ट्राई। का रिटेल प्राइस 799 रुपीज है और ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में, सो यस मैं जल्द ही इन्हें ट्राई करूंगी और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने खरीदा है वो है ये लॉरियल का वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा। और मैंने रिसेंटली ही अपने सारे मस्कारे थ्रो किए हैं, मुझे आई फ्लू हुआ था जिसके बाद मैंने अपना कोई भी पुराना मस्कारा यूज़ नहीं किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने वो पर्टिकुलर मस्कारा और ये मेबेलिन का स्काई है मस्कारा बाय किया है। इन दोनों मस्कारे के अलावा मेरे पास पिछली कोई मस्कारा नहीं है, सो यस ये दो मस्कारे मैंने बाय किए हैं। अब सिंस मैं अपने जो रेगुलर यूज की आई प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज कर रही थी, इसलिए मैंने ये के ब्यूटी का जो लिक्विड आईलाइनर है इन द शेड ब्लैक कैनवस ये भी परचेज किया है, क्योंकि दिस इज द आईलाइनर जिसे मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैंने रेने कॉस्मेटिक्स का बॉलीवुड फिल्टर भी परचेज किया है। बहुत वक्त से मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्राई करना चाह रही थी, इसके जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स इसे यूज करके दिखाते हैं वो काफी अपीलिंग लगता है, तो मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूंगी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मेरी स्किन के लिए कैसे काम करता है। मेरे काफी ओपन पोर्स हैं एंड अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर पाता है तो इट वुड बी अ डेफिनेट गेम चेंजर फॉर मी। इसकी पैकेजिंग भी काफी क्यूट सी है और जेल कंसिस्टेंसी है, सो आई जस्ट गिव दिस प्रोडक्ट अ ट्राई एंड रिव्यू वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगला जो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं वो है लॉरियल प्रोफेशनल रेंज के विटामिनो कलर शैम्पू और हेयर मास्क का कॉम्बो। मैंने कुछ महीने पहले ही अपने हेयर कलर कराए हैं एंड दैट इज द रीजन कि मैं ये पर्टिकुलर वाला जो कॉम्बो है वो यूज कर रही हूँ करेंटली, सो यस ये है वो अगला सेट ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने नायका की सेल से परचेज किया है। अलॉन्ग विद दैट मैंने लॉरियल का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम है ये भी परचेज किया है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ अपनी एमटीज वीडियो में, इसका फुल साइज स्मॉल साइज बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, विच डेफिनेटली मीन्स कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत पसंद है एंड दिस इज अ रीपर्चेज फॉर मी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बाय द ब्रांड फेसेस कैनेडा और ये है उनकी लॉन्ग स्टे मैट 3-in-1 लिपस्टिक प्राइमर प्लस लिप बाम, बहुत ही लंबा नाम है इसका। ये फेसेस कैनेडा की एक न्यू लॉन्च लिपस्टिक है एंड काफी अपीलिंग सा नाम लग रहा है। मेरे पास जो शेड्स हैं वो है शेड नंबर 01 एंड शेड नंबर 04। देखने में काफी अच्छी लग रही थी मुझे, इसलिए आई रियली वांटेड टू ट्राई अ कपल ऑफ शेड्स, सो मैंने यस इसके दो शेड्स परचेज किए हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये लिप स्लीपिंग मास्क और ब्रांड का नाम मैं कभी ठीक से नहीं ले पाती हूँ, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट इवन ट्राइंग, बट मैंने पहले भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ट्राई किया हुआ है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। थोड़ा प्राइजियर रेंज में है बट यस इट डेफिनेटली वर्क्स। क्यूट स्मॉल पैकेजिंग की बात करें तो ये डॉट एंड की का लिप पॉलिश एक्सफोलिएटिंग शुगर स्क्रब जो है ये एक कंप्लीट विनर है। डॉट एंड की पैकेजिंग मुझे इटसेल्फ काफी पसंद है, बट लुक एट द साइज एंड द क्यूटनेस ऑफ दिस लिटिल स्क्रब। ये मेरे हाथ के कंपैरिजन में कितना क्यूट और कितना स्मॉल लगता है। मैंने प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया है, सो आई विल क्विकली गिव इट अ ट्राई एंड देन आई विल मे बी टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है ये गश ब्यूटी का प्ले टिंट्स। काफी अपीलिंग सा प्रोडक्ट लगा मुझे ऑनलाइन और ऑनेस्टली मैंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह इसके नहीं देखे हैं, बट लुक एट इट, इट इज लाइक 2-in-1 लिप एंड चीक टिंट। 2-in-1 इसलिए बिकॉज इस पर्टिकुलर वाले के अंदर दो डिफरेंट कलर्स हैं, सो यस दिस इज व्हाट आई हैव गॉट।
मैं अभी इसे खोल के नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो को इंतजार कीजिए। अब ये तो हो गए वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए हैं, अब आइए चलते हैं उन सारे फ्रीबीज की तरफ जो कि मुझे मेरे ऑर्डर के साथ मिले हैं। यस, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फ्रीबीज विद माई ऑर्डर, जिनमें सबसे पहले है ये स्वेट मटेरियल का नायका का पाउच, देन वी हैव दिस वाटर बैंक हाइलोरोनिक एसिड एसेंस टोनर, अलॉन्ग विद दैट मुझे फेसेस कैनेडा का एक हाइलाइटर भी मिला है जो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है, सो दैट्स अ विन। और डिफरेंट लॉरियल के शैम्पू के सैंपल मुझे मिले हैं। आई डू फील कि जितने हैंडी ये हैं दे आर वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल विद, एंड सिंस आई हैड एन ऑप्शन कि मैं एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाय द ब्रांड लॉरियल सेलेक्ट कर सकती हूँ, सो आई वेंट अहेड विद दिस लॉरियल वाइटामिनो कलर का मिनी वर्जन जो कि मैंने फुल साइज में भी परचेज किया है ताकि मैं इसको ट्रैवल में आसानी से इस्तेमाल कर सकूं। सो यस, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका की सेल से रिसेंटली परचेज किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इनमें से जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यू मैं जल्दी अपने चैनल पे करूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी के बारे में जानने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।